मेजर डिप्रेशन के प्रमुख लक्षण के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ यह वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोग हमारे यहाँ के इलाज करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और अपना इलाज करके लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मेजर डिप्रेशन में सिर्फ मूड ही प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब मूड डिसऑर्डर ही होता है, सिर्फ उसमें मूड का प्रॉब्लम होता है, बाकी कुछ दिखाई देता नहीं है। और वो पहचानना बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति में सिर्फ मूड का प्रॉब्लम रहता है। मूड मतलब उसको इंटरनल कैसा लगता है, उसका इमोशंस इंटरनली कैसा है, उसको मूड बोलते हैं। और अफेक्ट मतलब बाहर से उसका इमोशन कैसा दिखता है, उसको अफेक्ट बोलते हैं। अब डिप्रेशन में क्या होता है कि शुरू में जब डिप्रेशन आता है तब शुरू में अफेक्ट रहता है एकदम फ्लैट, मतलब ना खुशी ना दुख ना गम कुछ नहीं, ऐसा फ्लैट इफेक्ट दिखता है, नीरस चेहरा दिखता है। और फिर धीरे 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 डिप्रेशन बढ़ते रहता है और फिर ना खुशी दिखती है चेहरे पे, वो खुद बोलता है कि मैं दुखी हूँ, मुझे उदास लग रहा है, मुझे दुख के विचार आ रहे हैं, नकारात्मक हर जगह उसको नकारात्मक दिखाई देता है, फ्यूचर के बारे में वो नकारात्मक ही बोलते रहता है। उसको रहता है कि उसको लगता है कि अभी ये जो है मुझे बहुत उदास और नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा रोना भी उसको आना चालू हो जाता है। और फिर रोना आने से उसको अच्छा लगता नहीं कि रोना लोगों के सामने कैसा है, तो और फिर वो अपना आइसोलेशन में चले जाता है। तो ये मूड के लक्षण दिखाई देते हैं उसको, मतलब डिप्रेस मूड कि दुख, और वो हमको ऐसा लगता है कि वो दुखी है करके, वो व्यक्ति ऐसा हमको लगता है कि दुखी है, वो बोलता भी और हमको भी लगता है, मतलब वी कैन एम्पथाइज विथ हिम कि वो दुखी है करके। फिर और लक्षण वो जो बताता है उसमें रुचि न होना, रुचि नहीं है कोई भी काम में, इंटरेस्ट नहीं है, वो खुशी नहीं मना सकता, उसको उत्साह नहीं है, उसकी जो हॉबीज है मतलब शौक है उसमें वो टाइम बिताता नहीं है, उसको जीने में मज़ा नहीं आता, और वो रोज़ की जो जिंदगी उसमें एक 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 दिन ऐसा उसको लगता है कि काटना मुश्किल हो गया करके। तो ये उसको लक्षण है रुचि के, मतलब इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट उसका जो प्रॉब्लम होता है। उसके साथ साथ उसको एंग्जाइटी रहती है, एंग्जाइटी में मतलब वो तनावग्रस्त है, चिंता है, आराम नहीं कर सकता, उसमें उसको लक्षण आते हैं मुँह सूखने के, फिर धड़कन, चिंता, घबराहट, चक्कर, बेचैनी, ऐसे उसको एंग्जाइटी के लक्षण उसको दिखाई देते हैं उसके साथ साथ। फिर नींद जो है, वो नींद में उसको एक तो सुबह जल्दी जाग आ जाती या बीच बीच में हर दो तीन घंटे के बाद में उसकी नींद खुल जाती है, और जब जाग आती है तो उसको उसका डिप्रेसिव थिंकिंग रहता है, मतलब आगे कैसा होगा, फ्यूचर में कुछ पड़ा नहीं है, फ्यूचर बहुत ही नकारात्मक दिखाई देता है, और उसको लगता है कि फ्यूचर में अपन कुछ नहीं कर सकेंगे, ऐसे सब डिप्रेसिव थिंकिंग उसको आते रहते हैं। सवेरे जब उठता है तो उसकी नींद ऐसे उसको लगती नहीं कि अपनी नींद हुई करके, फ्रेश नहीं लगती उसको नींद, और उसको लगता है कि नहीं नींद हुई नहीं है, जल्दी जाग आ जाएंगे, सुबह 3 बजे 4 बजे जाग आ जाएंगे। काफ़ी कम लोगों को जल्दी नींद नहीं आती और कुछ लोगों को ज़्यादा नींद आना चालू हो जाता है, डिप्रेशन में वो ज़्यादा सोते हैं, मगर वो प्रमाण बहुत कम है। फिर इसके साथ साथ खुदकुशी के विचार आते हैं, सुसाइड के थॉट्स, वो सुसाइड के थॉट्स वो बोल के बताएंगा कि मुझे सुसाइड करने की इच्छा हो रही है और खुदकुशी किया तो अच्छा है, जीने में मतलब नहीं है, मेरा तो मैं तो हार गया हूँ पूरी ज़िंदगी में, मेरा तो बहुत नुकसान हो चुका है, अभी ये कुछ दुरुस्त नहीं हो सकता है, अभी मर गया तो अच्छा है, ऐसा वो बोलते रहता है। और महिलाओं से ज़्यादा पुरुष वर्ग में खुदकुशी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये प्रमुख लक्षण डिप्रेशन के हैं। इसके अलावा भी कुछ और लक्षण हैं डिप्रेशन के जो मैं अगले वीडियो में आपसे बातचीत करूँगा और उसमें बताऊँगा। ये आपको लगा तो जरूर, ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।